सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं MySQL का बेसिक्स कमांड्स। तो हमने 10 कमांड्स लिए हैं, तो हम लोग देखेंगे उसका क्या क्या कमांड है। तो पहले कमांड से शुरू करते हैं। तो अपना पहला कमांड है लॉगिन कमांड। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बेसिक है, अपना कमांड लाइन खोलेंगे और ये कमांड लिखेंगे MySQL, फिर हाइफन देंगे U, फिर अपना जो यूज़र नेम होगा अपने यूज़र नेम के साथ इसको रिप्लेस करते हो। तो मान लो मेरा यूज़र नेम है अभी, तो मैं इसे अभी दूंगा और फिर हाइफन फिर P, तो ये अपना हो जाएगा। फिर हम लोग इंटर कर देंगे, पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ पासवर्ड इंटर कर देना, ये अपना हो जाएगा पहला। उसके बाद डाटाबेस क्रिएट करने का, तो डाटाबेस क्रिएट करने का सिंपल सा कमांड है, कैपिटल में क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस और अपना डाटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम। इस डीबी नेम को तुम रिप्लेस कर सकते हो replace with the name you want to give। with the name you want। तो ये अपना दूसरा। तीसरा हम लोग है selecting database। selecting database के लिए use command हम लोग use करेंगे, सिंपल सा। तो selecting database के लिए हम लोग क्या करेंगे, use command। तो हम लोग करेंगे इसे यूज और जो तुम्हारा डेटाबेस का नेम है, डेटाबेस नेम, ये हो गया। और तुम इस डीबी नेम को अपने नेम के साथ सिमिलरली इसे भी रिप्लेस कर सकते हो। चलो अब हम लोग का है टेबल क्रिएट करने का। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल कमांड का यूज करेंगे। तो create table, फिर हम लोग टेबल नेम देंगे, टेबल नेम, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे कॉलम वन, फिर डेटा टाइप तुम्हारा जो भी होगा डेटा टाइप, फिर यहाँ कॉलम टू, फिर यहाँ डेटा टाइप। सिमिलरली तुम लोग जितना कॉलम चाहो बना सकते हो। तो इसे क्लोज करके ये, तो ये अपना क्रिएट टेबल का हो गया। अब हमारे पास है डेटा इंसर्ट का। तो इंसर्टिंग अ डेटा, इसमें हम लोग यूज करेंगे इंसर्ट इनटू। हम लोग कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये है अपना कमांड इंसर्ट इनटू कमांड है ये अपना। फिर यहाँ पे हम लोग देंगे टेबल नेम, ये दोनों साथ में ही है। फिर यहाँ पे कॉलम वन, तुम्हारे जितने कॉलम है मतलब जहाँ जहाँ तुम डेटा इंसर्ट करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। कॉलम टू, फिर क्लोज करके तुम्हारा जितना अपना कर। फिर यहाँ कौन सा वैल्यू तुम इंसर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए वैल्यूज और अपना जो जो वैल्यू है, जैसे वैल्यू वन, वैल्यू टू और सो ऑन। तो ये अपना इंसर्टिंग डेटा का हो गया। अब एक आता है क्यूरिंग डेटा। तो इसमें मतलब टेबल से डेटा को रिट्राइव करने के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड का। सिलेक्ट कॉलम, जैसे कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉलम हमने बनाया कॉलम वन कॉलम टू, तो सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू, फिर तुम्हारे जितने भी कॉलम्स होंगे लिख देना। और फ्रॉम, हम लोग यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे जिस टेबल से हम लोग
डेटा ले रहे हैं, तो टेबल नेम। और हम यहाँ कंडीशन भी दे सकते हैं, वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन। और हम लोग साथ में आते हैं तो जहाँ हम लोग का अपडेटिंग डेटा, तो अपडेट डेटा में हम लोग सिंपली अपडेट, जैसे अपडेटिंग है तो हम लोग यहाँ अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, अपडेट अपना सिंपल जैक। उसके बाद टेबल नेम, जो भी आपका टेबल नेम होगा टेबल नेम। फिर यहाँ एक ये कमांड यूज करेंगे सेट कमांड का, सेट मतलब जहाँ से हमें अपडेट करना है। तो कॉलम वन को मान लो हमें अपडेट करना है नए वैल्यू के साथ, तो न्यू वैल्यू वन। और सिमिलरली कॉलम टू के लिए भी कॉलम टू इक्वल टू न्यू वॉल्यूम टू। और जहाँ वेयर कंडीशन, वेयर यहाँ कंडीशन, ठीक है। अब हमें आठवें पे आते हैं, डेटा डिलीट करने का। तो डिलीट करने का भी सिंपल सा है, डिलीट फ्रॉम, यहाँ दो कमांड का यूज हुआ, डिलीट और फ्रॉम। डिलीट फ्रॉम तुम्हारा टेबल नेम और फिर तुम्हारा कंडीशन जो भी हो, ये अपना वेयर कंडीशन। अब हम आते हैं अपने नौवे पे, तो जो कि अपना मॉडिफाइड टेबल्स। तो टेबल में चेंजेस करना हो तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर कमांड का। अल्टर टेबल और अपना टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम। फिर यहाँ पे ऐड कॉलम, क्योंकि हम यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ऐड कॉलम। और यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर रहे हैं, पहले से हमारे पास कॉलम वन कॉलम टू था, तो यहाँ न्यू कॉलम करके हम एक और कॉलम ऐड कर रहे हैं। और फिर अपना कॉलम का डेटा टाइप, और लास्ट, तो लास्ट अपना है ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप टेबल किस लिए यूज होता है, किसी टेबल को डिलीट करने के लिए डेटाबेस से। तो हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप टेबल का, तो ड्रॉप कमांड और फिर अपना टेबल और अपना टेबल नेम। तो गाइस ये अपना 10 बेसिक सा कमांड था MySQL का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर द लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्द।